ऐसी है ना, आज तक आई नहीं हो। राजस्थान की सरकार जो कि कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की नीति पर काम करती है, और विगत वर्षों में जब से इनका शासन है तब से लगातार हमारी धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते रहे हैं। कभी मंदिर तोड़ते हैं, कभी हमारे देवनारायण भगवान है उनकी दीवार तोड़ते हैं, और कभी हमारे रावत समाज के जो प्राचीनतम जो रामदेव का मंदिर है वहाँ जो हताई है उस पर की चार दीवारी को नेस्तनाबूद कर देते हैं। इस प्रकार की कृत्य लगातार इस सरकार में हो रही है, और इसमें मुझे कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है। जिस प्रकार से उस चार दीवारी को तोड़ा गया कि कई सौ वर्षों से वो वहाँ पर रावत समाज की जो हताई थी उस हताई पर लगातार कार्यक्रम होते रहे, विधायक महोदय द्वारा उसके पुनर्निर्माण के लिए फंड भी दिया गया, लेकिन नगर निगम एडीए द्वारा जिस प्रकार से वहाँ जाकर के तोड़फाड़ की गई है बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना के, इससे लगता है कि उनका मंतव्य स्पष्ट है कि तुष्टिकरण की नीति वहाँ साफ दिखती है कि एक और तो हताई को तोड़ दिया जाता है और दूसरे कोने पर बनी हुई एक धार्मिक स्थल पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जो कि लगातार नाड़ी में पानी के तालाब में लगातार बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस कारण से रावत समाज पूरा अजमेर का उद्वेलित था, हैरान था, परेशान था, और रावत समाज ने वहाँ पर धरना दिया, और धरना देने के बाद में प्रशासन की नींद खुली और वो चेती, और उन्होंने जाकर के वहाँ पर आकर के बात की और ध्यान में आया कि उनसे उन्होंने कहा कि भूलवश और गलती से ये टूट गया है, और उन्होंने सहमति दी कि इसके चार दीवार का निर्माण वापस किया जाए, और वो सहमति होने के बाद सकारात्मक वार्ता के बाद वो आंदोलन समाप्त।